एक बार एक संत एक सभा में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो अपने उपदेश में सभी को समझाते हैं कि व्यक्ति को सोच समझकर कोई कार्य करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को उसकी भरपाई करनी ही पड़ती है, जो कि कभी कभी बहुत पीड़ा देती है। ये सुन एक शिष्य संत से कहता है कि गुरुवर, ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति की जिद अक्सर उसका नुकसान कर देती है? ये सुन संत कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा हो, सब आपके कदम पर निर्भर करता है। संत कहते हैं, यदि हठ सही हो तो वो कभी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। शिष्य पूछता है कि वो कैसे गुरुदेव, कुछ समझ नहीं आया। तब संत कहते हैं कि यदि आपके भीतर कुछ पाने की, कुछ बनने की चाह है और उस लक्ष्य तक सही मार्ग द्वारा पहुंचने का आप हट करते हो, तो आपके भीतर की ये जिद सही है, क्योंकि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। ये हट आपको कुछ बनाता है, आपको खुद पर निर्भर करता है, और व्यक्ति का आत्मनिर्भर होना कभी गलत नहीं होता। लेकिन यदि आप गलत मार्ग पर गलत वस्तु को पाने की जिद करते हैं, तो वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायी साबित होती है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कदम ले लेते हैं। शिष्य पूछता है कि लेकिन हठ खराब कैसे हुआ? तब संत कहते हैं कि बहुत तरह से है, इसे समझो एक कहानी से। दोस्तों, जो कुछ भी आप सीखेंगे कमेंट में जरूर लिखना और नमो बुद्धाय भी जरूर लिखना। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसके साथ उसका एक बेटा और पत्नी भी थे। काफी समय से वो व्यक्ति काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे वो दूसरे के यहाँ पे मजदूरी करके प्रत्येक दिन के खाने के पैसे जुटा लिया करता था। इसी तरह वो अपना जीवन बिता रहे थे। वो व्यक्ति काफी समय से ये योजना बना रहा था कि यदि वो कुछ पैसे जोड़ लेता तो कोई अन्य काम करता, जिससे उसके घर की स्थिति ठीक हो सके। लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उस व्यक्ति के पास एक ढोलक थी। जब भी उसके गांव में कोई उत्सव या शादी विवाह होता, वो उसमें ढोलक बजाया करता था। लेकिन उसका ये काम भी हमेशा नहीं चलता था। एक बार उसके गांव के बाहर एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित होता है, जिसमें तरह तरह के लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जब ये बात उस गरीब व्यक्ति को पता चलती है कि उसके गांव के बाहर एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, तो वो भी वहां जाने की सोचता है कि उसे भी वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए, और तब वो भी उत्सव की तैयारी में लग जाता है। वो एक सप्ताह खूब तैयारी करता है। जब उत्सव का समय आता है, तब वो व्यक्ति अपने गांव के अन्य लोगों के साथ जाने लगता है। तभी उस व्यक्ति का बेटा भी उत्सव में जाने की जिद करता है कि वो भी उसका आनंद लेना चाहता है। बेटे का मन रखने के लिए वो उसे साथ ले जाता है। उत्सव में पहुंचकर सभी उत्सव शुरू होने पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन शुरू करते हैं। सभी अलग अलग तरह की कला को प्रस्तुत कर रहे थे। उस व्यक्ति ने भी ढोलक बजाना शुरू कर दी। वो उस कला में बहुत अच्छा था। उसने बहुत ही अच्छे से ढोलक बजाई। उत्सव में हर किसी ने
उसकी ढोलक का आनंद उठाया, जिससे उसकी खूब कमाई भी हुई। वो तरह तरह की धुन पर लोगों के कहने पर उन्हें ढोलक बजाकर दे रहा था। इसके अलावा भी वो अन्य कई कार्यों में तेज था। उसने कई तरह तरह के चित्रकलाएं भी बनाई थी। लोगों को देख उनके चित्र को बनाता और उन्हें बेचता। उसके इस गुण से उसकी खूब कमाई हुई थी। दो तरह का प्रदर्शन करने से उसने अच्छा खासा पैसा जोड़ा था। शाम को जब उत्सव पूरा हो जाता है तो पैसों को देख व्यक्ति बहुत खुश होता है और सोचता है कि वो अब कोई अलग कार्य कर पाएगा, और फिर वो गांव के लिए जाने लगता है। जाते समय उस व्यक्ति का बेटा भी एक छोटी सी ढोलक खरीद लेता है। उसे भी इसका बहुत शौक था। रास्ते भर वो उसे बजाते हुए आनंद से आता है। बेटे को खुश देख व्यक्ति को भी प्रसन्नता होती है। कुछ दूरी तय करने के बाद मार्ग में जंगल मिलता है, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था। व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना इस छोटे रास्ते से जाया जाए, क्योंकि दूसरे रास्ते से जाने में काफी समय लग जाएगा और जंगल से होते हुए वो पूरी तरह अंधेरा होने से पूर्व घर पहुंच जाएंगे। वो गांव के सभी लोगों से उसी मार्ग से जाने के लिए कहता है, लेकिन गांव के लोग मना कर देते हैं कि जंगल से होकर जाना सही नहीं है, उन्हें दूसरे रास्ते से ही जाना चाहिए जैसे वो आए थे। कोई उस व्यक्ति के साथ जंगल से जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो उसे भी बहुत समझाते हैं, लेकिन व्यक्ति ने तय कर लिया था कि उसे जल्दी घर जाना है और वो जंगल होकर अकेले अपने पुत्र के साथ जाने लगता है। सब उसे बहुत समझाते हैं कि ये मार्ग इस समय जाने के लिए उचित नहीं है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वो बेटे को लेकर जंगल से होकर जाने लगता है। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ का पूरा मार्ग सुनसान है। कोई यहाँ से ना तो आ रहा था और ना ही जा रहा था। पूरे जंगल में वो अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, वहाँ कुछ चोर आ जाते हैं जो उसी जंगल में छुपकर रहते थे और मौका पाते लोगों का सामान छीन लेते थे। वही इस व्यक्ति के साथ होता है। व्यक्ति को अकेले पाकर वो चोर उस व्यक्ति का सारा कमाया हुआ धन उससे छीन लेते हैं। वो बहुत कोशिश करता है सब बचाने की, लेकिन कुछ नहीं होता, और तब वो चोर सब कुछ लेकर भाग जाते हैं। उसकी ढोलक तक नहीं छोड़ते। सब कुछ एक झटके में चला जाता है। ये देख उस व्यक्ति का बेटा कहता है कि पिताजी, गांव वालों ने सही कहा था कि ये मार्ग उचित नहीं है। हमें यहाँ से आना ही नहीं चाहिए था। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बेटे की ये बात सुन उस व्यक्ति को अपनी गलती पर बहुत क्रोध आता है। वो स्वयं को कोसने लगता है कि क्यों वो सबके साथ नहीं गया, क्यों उसने इस मार्ग से आने का हट करके चुनाव किया। उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उसकी एक भूल से उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। इतने समय से की गई प्रतीक्षा का जो फल मिला था वो सब बर्बाद हो गया। उसे स्वयं द्वारा की गई इस मूर्खता पर बहुत अफसोस होता है कि उसे सबकी बात सुन लेनी चाहिए थी, और तब सिवाय अफसोस के उसके पास कुछ नहीं बचता। जो एक ढोलक था वो भी चला गया और वो खाली हाथ घर लौट जाते हैं। कहानी पूरी होने पर संत कहते हैं, क्या आप
सभी को यह ज्ञात हुआ कि बिना सोचे समझे हट करना कैसे नुकसान देता है। इस तरह का हट हमेशा खराब होता है। उस व्यक्ति को देखें कि वो परिश्रमी था, उसने परिश्रम किया, सब किया, इस दिन के लिए प्रतीक्षा की, लेकिन उसकी एक भूल ने, उसके एक हट ने सब कुछ खत्म कर दिया। और वो था उसका सबके मना करने के बाद भी जल्दबाजी करना, बिना सोचे समझे हट करना। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता, सबकी सुनी होती, तो परिणाम कुछ और ही होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके भीतर अब तक धैर्य था, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसे आए, धन आया, उसका धैर्य खत्म हो गया। उसने जल्दबाजी की, जिसका फल इतना बड़ा और बुरा मिला। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सोच समझकर कोई कदम ले, जल्दबाजी ना करें, हठ ना करें। संत की ये बात सुन शिष्य को उसके प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, और सभी संत के इस उपदेश से प्रभावित हो जाते हैं, और उन्हें भी ये समझ आ जाता है कि जीवन में कभी बेकार का हठ या जिद नहीं करनी चाहिए, और सोच समझकर कोई कार्य करना चाहिए, अन्यथा हमें भी ऐसा ही परिणाम जरूर मिलेगा। दोस्तों, कहानी से आप यही सीख सकते हैं कि जीवन में सोच समझकर कोई कार्य करना चाहिए। जल्दबाजी हमारे कई वर्षों की प्रतीक्षा को खराब कर देती है। इसलिए धैर्य के साथ आगे बढ़े, जीवन सरल हो जाएगा। बहुत समय पहले एक आश्रम में एक संत रहा करते थे। वो काफी प्रसिद्ध संत थे। रोज सुबह लोग उनके प्रवचन सुनने आया करते थे। एक दिन सुबह सुबह संत जी सभी को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आता है और दोनों हाथ जोड़ के उनसे कहता है कि मेरी एक समस्या है, कृपया कर उसका आप समाधान निकालें। वो संत जी उससे पूछते हैं कि क्या समस्या है, बताओ। तब वो व्यक्ति उनसे विनम्रता पूर्वक कहता है कि हे गुरुदेव, मेरी एक आदत है, या यूं कहें बहुत बुरी आदत लग गई है। गुरुदेव पूछते हैं, कैसी आदत? तब वो व्यक्ति कहता है, गुरुदेव मुझे शराब की गंदी लत लग गई है, मैं अब उस आदत को छोड़ नहीं पा रहा, इस वजह से मेरे जीवन में समस्या भी बढ़ गई है। मैं इस लत को छोड़ना चाहता, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी उसे छोड़ नहीं पा रहा। इस आदत ने मुझे तबाह कर रखा है। मैंने इस आदत को बदलने के लिए लोगों से सलाह, मशवरा, सब कुछ किया। किसी ने कहा पूजा पाठ में मन लगाओ, किसी ने कहा दान दक्षिणा करो, आदत छूट जाएगी, तो किसी ने अन्य तरीके बताए। मैंने ये सब किया, लेकिन किसी का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तब मैंने अपने मित्रों से भी इस बारे में बात की। तब उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इस समस्या का हल बता सकते हैं, यदि मैं आपके प्रवचनों को सुनूं तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। मेरे मित्रों की बात सुन, मैं रोज आपके यहाँ पे प्रवचन सुनने आता हूँ, लेकिन प्रवचन का भी मुझ पर कोई खास लाभ नहीं हो रहा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। संत ने उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना और फिर उससे कहा कि चलो मेरे साथ। उस व्यक्ति ने पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तब गुरुदेव ने कहा कि चलो तो सही। वो व्यक्ति संत जी के साथ आगे बढ़ता है। संत उस व्यक्ति को एक आश्रम के एक कमरे में लेकर जाते हैं। उस कमरे में एक दीवार पर उनकी परछाई दिख रही थी। संत ने उस व्यक्ति को एक लड्डू दिया और कहा कि क्या तुम ये लड्डू इस परछाई को खिला सकते हो? संत के ऐसे प्रश्न को सुन उस व्यक्ति को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव? भला आज तक किसी भी चीज़ की परछाई ने कुछ खाया है? ये तो संभव ही नहीं है, कोई परछाई को लड्डू कैसे खिला सकता है? संत ने कहा कि क्यों नहीं खिला सकते? तब व्यक्ति कहता है, असंभव है गुरुदेव। तब संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार ये चीज तुम्हारे साथ भी है,
तुम भी अपनी परछाई को लड्डू खिलाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि हो ही नहीं सकता। व्यक्ति संत जी की बात को समझ ही नहीं पाता। वो कहता है कि आपका क्या अर्थ है गुरुदेव? संत उसे समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी पूजा पाठ का, दान दक्षिणा का या फिर प्रवचन सुनने से कोई भी बुरी आदत नहीं छोड़ती, ना ही उससे उन आदतों से इस तरह मुक्ति मिल सकती है और ना ही कोई अच्छी बातें सुनने से कोई सुधर सकता है। जीवन में सुधरने के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए, खुद में बदलाव लाने के लिए जीवन में इन सब अच्छी बातों को, प्रवचन को उतारना पड़ता है, अपने कर्म को सही करना पड़ता है, तभी हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। अगर तुम बुरी आदतों से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें खुद ही प्रयास करना होगा। अभी इसी समय शराब छोड़ने का संकल्प लो और छोड़ दो, और अंत तक उस संकल्प में डटे रहो। यही एकमात्र उपाय है इस लत को छोड़ने का। जब तक स्वयं से ये नहीं तय कर लोगे कि तुम्हें शराब को हाथ तक नहीं लगाना, उसे छूना तक नहीं है, तब तक ये आदत नहीं बदलेगी। स्वयं के भीतर ये गांठ बांध लो कि तुम्हें खुद को सुधारना है, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर संत जी उस व्यक्ति के साथ बाहर आ जाते हैं। व्यक्ति को संत की बातें समझ आ गई थी। उसने उसी समय शराब छोड़ने का संकल्प ले लिया और गुरुजी से आशीर्वाद लेकर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि आपके भीतर कोई भी बुरी आदत है और उसे आप बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्वयं से संकल्प लेना होगा। ये ठानना होगा कि आप खुद को बदल कर रहेंगे, तभी आप बदल सकते हैं। यदि बस आप बोलते रहेंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तो आप कभी भी उन बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। आपके अच्छे कर्म, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार ही आपको आगे बढ़ाता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ाता है। धन्यवाद।